हम पढ़ेंगे मत्ती का दूसरा अध्याय 14 से 23 और लुका 2:40। ओके कनु, प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और उसके बाद भी स्टार्ट करते हैं। मिक्सर से कनेक्टेड है ना, और ऑन है माइक, दैट्स ओके। ओके सो मुख्य घटना नंबर 9, और यीशु मसीह का परिवार मिस्र की ओर चला जाता है, राइट। ये है मत्ती का दूसरा अध्याय 14 से 23 और लुका 2:40। ओके सो मत्ती दूसरे अध्याय पे चलिए, वर्स नंबर 14 से पढ़ना शुरू करेंगे। ओके नाउ उनके चले जाने के बाद प्रभु का एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई दिया, देकर उसे कहा, उठ इस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदस इस बालक को ढूंढने पर है कि वो उसे मरवा डाले। नाउ जब वो बुद्धिमान लोग इस शहर में आए थे, जब वो मैजाय आए थे, जिसको मैजाय कहते हैं, और जब उनके चले जाने के बाद उस पूरे शहर में कन्फ्यूजन हो गई थी, क्योंकि ये लोग आए लेकिन गए, उसके बाद वापस नहीं आए। हेरोदस ने कहा था वापस आके मुझे बताना, लेकिन इनमें से कोई भी वापस नहीं आया। फरीसी लोग बैतलहम गए नहीं, उनको जाना चाहिए था क्योंकि वचनों को जानते थे, लेकिन ये लोग चले गए। और मैजा जब चले गए वहाँ पर, उनके आने के बाद लोग पूछ रहे होंगे कि बुद्धिमान लोग आए तो सही, गए लेकिन वापस नहीं आए, तो एक्चुअली क्या हो रहा है उसके हिसाब से। तो जब उस बात की खबर हेरोदस को पहुंचेगी तो वो नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि वो क्या सोच रहा है कि एक राजा जन्मा है, यानी मेरा सिंहासन खतरे में है, तो उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। और उसकी वजह से उसने क्या सोचा कि जिस तरह से यहाँ पे हम देखते हैं कि स्वर्गदूत ने आकर स्वप्न में यूसुफ से कहा कि मिस्र की ओर चला जा, उसी तरह से हेरोदस उसको ढूंढने की कोशिश करेगा। और वहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से प्रभु की सारी योजनाएं पूरी होनी शुरू होती हैं। तो जब हेरोदस को पता चला कि यीशु मसीह के बारे में कि वो जो बुद्धिमान लोग थे जो आए थे और वापस नहीं आए, तो उसने योजना क्या बनाई कि जिन लोगों को उसके अनुसार उसको बताया गया था कि 2 साल के आसपास का होगा बालक, तो हेरोदस योजना बनाएगा कि इन सबको मरवा डालने की। लेकिन वर्स नंबर 14 में देखेंगे, तब वे रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र की ओर चल दिए। और इसके बारे में हम सोचते हैं कि जिस तरह से स्वप्न में जैसे यूसुफ के पास आया स्वर्गदूत ने कहा, परमेश्वर ने उसके अनुग्रह के द्वारा एक योजना बना ली थी कि उनको बचा लेने के लिए। और लेकिन हम सोचते हैं कि इस दृश्य से हम ये देखते हैं कि उसी वक्त वो चले गए। नाउ मिस्र जाने के लिए उनके पास पैसे कहाँ से आए? जब वो बुद्धिमान लोग आए थे तो क्या भेंट लाए थे? सोना। तो परमेश्वर ने जैसे उसके अनुग्रह की वजह से पहले से उनके लिए तैयार करके उनको वो सब दे दिया था, आने जाने के लिए जो भी खर्चा होगा उनके हाथ में सोना रख दिया था, इन अ वे एक भेंट के समान, उसको इस्तेमाल करके वो लोग अपने बालक की देखभाल कर सकते थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 15वीं पंक्ति में, और हेरोदस के मरने तक वो वहीं रहे, इसलिए कि वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हुआ, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया है। सो हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह का जीवन इतना अद्भुत है कि जब वो छोटा सा बालक ही था, 1-2 साल का भी, तो भी उसके जीवन से सारी भविष्यवक्ताओं की बातें पूरी हो रही थी। उतना अद्भुत उसका जन्म था कि लोग सोच रहे हैं कि ये इतिहास में घटनाएँ घट रही हैं, लेकिन इतिहास में घटना नहीं घट रही है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो लिखा गया था हर बात भविष्यवक्ताओं के द्वारा पूरी हो रही है, जो यहाँ पे लिखा कि मैंने, और ये वचन है
मेरे अब मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। ये होशिया की किताब 11वीं अध्याय और पहली पंक्ति में है। होशिया की 11वीं अध्याय और पहली पंक्ति में है, वर्ष नंबर 16। जब हेरोदस ने ये देखा कि ज्योतिषियों ने उसका साथ धोखा किया है, तो वो क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों पर सब लड़कों को जो 2 वर्ष या उसके छोटे थे मरवा डाला। ना 16वीं पंक्ति में देखते हैं कि इस तरह से इतना नाराज़ हो गया, इतना गुस्सा आ गया उसको, 2 साल के आसपास के जितने भी बच्चे थे बैतलहम और उसके आसपास के शहर के, उन सबको मरवा दिया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि ये ज्योतिषियों ने उसको कहा था कि ये बच्चा 1.5 या 2 साल के आसपास का होगा, हम इतने समय से आए, तो उसने अंदाज़ा लगा के उसने कहा कि इन सबको मार दो। ना जब हम मूसा के जीवन के बारे में पढ़ते, तो हम याद है उस समय में भी फिरौन ने कई सारे बच्चों को मारा था। और इस वक्त जब हेरोदस की बात होती है, तो उतने सारे नहीं थे, क्योंकि बैतलहम और उसके आसपास के शहर में 60 या 70 के आसपास बच्चे होंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा शहर नहीं था, दोनों छोटे छोटे शहर थे, तो इतने सारे बच्चे नहीं होंगे जिस जो शायद मिस्र के टाइम में, मूसा के टाइम पे थे। तो लेकिन जब हम इस पंक्ति को पढ़ते हैं, तो ये भी बात यहाँ पे हम देखते हैं वर्ष नंबर 17 में, तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो भी पूरा हुआ। वर्ष नंबर 18 में है कि रामा में एक करुणादायी सुनाई देगी, रोना और बड़ा विलाप। सो बेसिकली यहाँ पे कहा गया यिर्मयाह 31 में और 15 में लिखा गया था इस भविष्यवाणी के बारे में, और जब उन बच्चों को मारा गया, तो ये यहाँ पे भविष्यवाणी पूरी गई। उसके थोड़े समय बाद ही वर्ष 4 में हेरोदस की मौत हो गई। उसको कोई बहुत गंभीर बीमारी हो गई थी, जिससे वो कभी चंगाई नहीं पा सका और उसकी मृत्यु हो गई। तो हेरोदस का जो डर था, जो बात थी, जो उसको भविष्यवाणी, उसको भविष्यवक्ताओं की बातें जो उसको पूरी करनी थी, जब उसने उसके द्वारा वो बातें पूरी हुई, तो उसका समय आ गया और ख़त्म हो गया वो, और ज़्यादा देर जी न सका वो। ओके, 19 से लेकर 23 तक पढ़ेंगे और फिर लूका 2:40 में जाएंगे। कोई भी पढ़ सकता है 19 से 23। प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, वो बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल के देश में चला जाए, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इज़राइल के देश में आया, परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज कर रहा है, वहाँ जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया और नाजरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाए। राइट, तो हम देखते हैं इस छोटे से पैसेज में तीन भविष्यवक्ताओं की बातें पूरी हो रही हैं, और लूका 2:20 में सेम वर्स है। ना कई सारी किताबें हैं जिसमें काफ़ी कुछ झूठ लिखा हुआ है, तो उसमें लिखते हैं कि यीशु मसीह 20 से 30 साल की जब उनकी आयु थी, तो कश्मीर गए थे, वहाँ पे कुछ समय रहे और फिर वापस आए। बकवास है। ओके, अपने आप चले गए और वापस आ गए, सब वो झूठ है। ओके, उसके लिए कोई आधार नहीं है हमारे पास। लेकिन मुख्य घटना नंबर 10 ये कि यीशु मसीह को नाजरत ले गए। ओके, यीशु मसीह को नाजरत ले गई, तो वहाँ पर काफ़ी सारी कहानियाँ लिखी जाती हैं उसके बारे में। लूका 2:40 में भी सेम पंक्ति लिखी गई कि परिवार गलील की ओर वापस आया, उनके शहर नाजरत, और यीशु मसीह जो युवक था, वो बड़ा बुद्धिमत्ता और परमेश्वर का अनुग्रह उसके संग था। ना अगली क्लास में हम थोड़ी बहुत वंशावली के बारे में भी बात करेंगे, और शायद अगर समय मिला तो आज ही कर देंगे कि 2 वंशावलियाँ क्यों हैं। राइट, मत्ती के सुसमाचार में और लूका के उदाहरण में दो अलग अलग वंशावलियाँ क्यों, उसके बारे में अगर समय मिला तो बात करेंगे, लेकिन मेन ये इन घटनाओं के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। ओके, सो मुख्य घटना नंबर 10 में हम देखते हैं कि लूका 2:40 के अंदर जो परमेश्वर ने कहा था कि वो नासरी से आएगा, वो भी पूरा हुआ। ना लूका 2:40 पे चलेंगे एक क्षण के लिए, और वो वर्स को हम ध्यान में रखेंगे, इम्पॉर्टेंट वर्स है, लूका का 2 अध्याय और 40वीं पंक्ति। और बालक बढ़ता
और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था, राइट। सो जब ये तीन वर्सेस को हम देखते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि ये सवाल ये है कि जब यीशु मसीह बड़ा हो रहा था तो क्या वो सिनागॉग यानी यहूदियों के मंदिर जा रहा था? क्योंकि उसके पिता कारपेंटर था, तो क्या उसको पता था उस उम्र में, उस आयु में, कि उसका कार्य क्या था, वो किस लिए आया था? नाउ हमेशा याद रखिएगा, जब लूका 2:41-52 हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम कुछ सारी बातें देखेंगे कि यीशु मसीह को उसके घर में ही शायद वचन सिखाए जाते थे, जो व्यवस्था विवरण 6:4-8 में हर यहूदी परिवार को कहा गया था। ये व्यवस्था विवरण 6:4-8 में क्या लिखा जानते हैं? चलो वहाँ मुड़ते हैं एक मिनट के लिए। व्यवस्था विवरण 6:4-8 पढ़ेंगे, ड्यूटरोनमी चैप्टर 6:4-8। हे इज़राइल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वह तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे और मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आँखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लेना। सो बेसिकली यहाँ पर जो व्यवस्था विवरण 6 में परमेश्वर मूसा जो आज्ञा दिया था इसराइल को कि वचन को किस तरह से याद रखना है, किस तरह से अपने बच्चों को सिखाना है, कौन से समय में सिखाना है, अगर आप ध्यान दें वहाँ पे तो हर समय के बारे में लिखा है वहाँ पे, घर में हो, बाहर हो, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जो भी हो, वचनों को उनको सिखाते रहना। तो एक यहूदी परिवार होने के नाते हम ये समझ सकते हैं और आसानी से हम ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह जब अपने बालक जब थे तो उनके माता पिता, क्योंकि याद रखना मरियम और यूसुफ दोनों परमेश्वर का भय मानते थे, इसलिए जब स्वर्गदूत ने मरियम को अपने दृश्य दिखाया तो मरियम ने झुकी, उसकी माँ नहीं, यूसुफ के स्वप्न में परमेश्वर आया, जो भी उसने कहा स्वर्गदूतों ने कहा वो सारा कार्य उसने पूरा किया। तो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग थे ये। तो जब हमें उम्मीद है और हम विश्वास करते हैं कि व्यवस्था विवरण 6:4-8 तक यीशु मसीह के संग वहाँ पे उनको सिखाया जा रहा था वचनों के बारे में। मैं कभी कभी सोचता हूँ उसके बारे में कि मरियम और यूसुफ वचन को वचन सिखा रहे हैं, राइट। लाइक वो बालक है लेकिन उस समय में भी वो परमेश्वर है, मनुष्य के रूप से वो तो बालक है लेकिन फिर भी परमेश्वर, और उसको वचन के बारे में समझा रहे हैं। और उस वक्त यीशु मसीह क्या सोच रहे होंगे? लाइक मैं सोचता हूँ कभी कभी सोच रहे हैं, अच्छा ये तो सब मैंने लिखा हुआ है, राइट। आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता वो कभी सोचते कि उनमें घमंड बिल्कुल नहीं था, तो शायद वो स्वीकार कर रहे थे और समझ रहे थे और सीख रहे थे। याद है योहन्ना की अध्याय में भी 15 में भी कहते हैं कि जो मेरा पिता, 5 में कहते हैं जो मेरा पिता कहता है वही मैं करता हूँ, जो उसकी इच्छा है मैं उसे ही पूरा करता हूँ। तो अपने आप से उन्होंने शायद कुछ नहीं किया, बगैर पिता पे भरोसा करे या बगैर पिता की इच्छा जाने। इसलिए आप देखते हो कि कई बार यीशु मसीह पर पहाड़ पर या कहीं पर अकेले में जाकर पूरी रात प्रार्थना में बिताते थे, और उस प्रार्थना का समय शायद ये था कि परमेश्वर की इच्छा को जान सके, ताकि एक एक पूरी एक एक इच्छा को वो पूरा कर सकें, राइट। सो हम ये भी विश्वास करते हैं कि उस समय में यीशु मसीह को 100% घर में वचन सिखाए गए थे, बाहर मंदिर में भी जाके शायद सिखाते थे। नाउ यहूदियों का इस तरह से कार्य था, उम्र 6-10 तक यहूदी के जो बच्चे थे उनको तोरा यानी पुराने नियम का जो आज्ञाएं हैं, लॉ है, वो सिखाया जाता था उम्र 6-10 तक, और भविष्यवक्ताओं और भजन संहिता, ये तीन चीज़ें सिखाई जाती थी, पूरा लॉ, प्रॉफिट और भजन संहिता, साम्स, उम्र 6-10 तक। ओके, कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक ये तीनों किताबें पढ़ ली हैं? आप यहूदी नहीं हो उसे टेंशन मत लो, बट यहूदी बच्चों को 6-10 उम्र के आयु तक ये तीनों पूरा नियम, पूरे भविष्यवक्ताओं की किताबें और पूरा भजन संहिता सिखाया जाता था। ओके, पूरा उम्र 10-15 तक उनको मिशना सिखाया जाता था, यानी जो रीति रिवाज हैं बड़ों के, और जो हम रैबाई लोग जो दूसरे अन्य
नियम सिखाते थे उसके बारे में, उसको मिशना कहते थे। दस साल की उम्र से लेकर 15 साल की उम्र तक उनको वो सिखाया जाता था। और मुझे लगता है कभी कभी कि यीशु मसीह को शायद दुख होता होगा ये सब सीखते हुए, क्योंकि यीशु मसीह ने ही मूसा को नियम दिया, लेकिन ये फैरिसी रैबाय ने अपने उसमें नियम जोड़ के अब बच्चों को सिखा रहे हैं। ये व्यवस्था विवरण 6 में क्या लिखा था कि परमेश्वर एक ही है और जो उसने कहा है उसको याद रखो। लेकिन अब तक इस समय में जब नए नियम में आ गए थे तो रैबाय और जो यहूदी थे वो लोग क्या कर रहे थे, उन्होंने अपने, याद है हमने पिछली बार डायग्राम बनाया था कि 613 कानून थे, नियम थे, उसके आसपास उन्होंने और नियम बना दिए थे ताकि अगर इसको पूरा करो तो ही 613 पूरा कर पाओगे। तो शायद यीशु मसीह जब वो सीख रहा था तो शायद उसको दुख हो रहा होगा ये सोच के कि ये सब तो मैंने नहीं बोला था सिखाने के लिए, ये तो रीति रिवाज सीख रहे हैं, ये रीति रिवाज सीख रहे हैं, लेकिन मेरे वचनों के बारे में, मेरे बारे में कम सीख रहे हैं, चलिए लुका दूसरे अध्याय में वर्स 41 से लेके 52 तक हम बात करेंगे। और ये यीशु मसीह जब युवक थे उनके जीवन में एक हमें घटना दी गई है कि क्या किया उन्होंने उस साल उस समय में, और ये फसा के पर्व के समय में यीशु मसीह यरूशलेम जाते हैं अपने माता पिता के साथ, उसके बारे में लिखा है। नाउ वर्स नंबर 41, उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसा के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। नाउ यहाँ से हमें फिर से एक दृश्य मिलता है कि किस तरह से ये लोग परमेश्वर का भय मानते थे। फसा के पर्व में ये लोग यरूशलेम की ओर जा रहे हैं, राइट। हम जानते हैं कि फसा का पर्व इम्पॉर्टेंट था, याद है तीन पुराने नियम में तीन पर्व थे जिसपे सारे यरूशलेम में सब पुरुषों को यरूशलेम आना पड़ता था, उसमें से फसा का पर्व एक था। नाउ हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब 12 वर्ष के थे तो वहाँ पे एक सेरेमनी होती थी या एक रीति रिवाज होता था वहाँ पे जिसको बार मित्सवा बोलते थे। यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं 12 से 13 साल की उम्र में उनको इस बार मित्सवा के समय में इस रीति रिवाज में कहा जाता था कि अब ये लोग काफ़ी कुछ परमेश्वर के नियमों के बारे में जान चुके हैं, परिपक्व हो गए हैं और अब परमेश्वर के पीछे चल सकते हैं। तो अब ये बालक नहीं रहे, अब ये लाइक एडल्ट हो गए हैं। तो ये 12-13 साल की उम्र में होता था और इस समय में उम्मीद की जाती थी कि अब बच्चा जो है वो माँ से अलग होकर पुरुषों के संग बैठेगा और उनके संग बातचीत करेगा। ओके, यानी उसका बचपना ख़त्म हो गया है, वो इतना सीख चुका है कि अब वो मनुष्य लोगों के संग बैठ के बातचीत कर सकता है। सो 12 वर्ष की आयु में यीशु मसीह को यरूशलेम लेके गया फसा के पर्व के समय में। नाउ वर्स नंबर 42 में जब यीशु 12 वर्ष के हुए तो पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। वर्स 43, जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और ये उसके माता पिता नहीं जानते थे। वो ये समझ कर कि वो अन्य यात्रियों के साथ होगा एक दिन का पड़ाव निकल गया और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। ना इसका ये मतलब नहीं है कि ये लोग लापरवाह थे। जैसे हमने कहा इस फसा के पर्व में जब मनुष्य लड़का 12 साल का हो जाता है तो ये नॉर्मल है, लोग कहते हैं कि तू काफ़ी कुछ वचन सीख चुका है, अब तू आदमियों के संग रहे, राइट। याद है मंदिर में जो कोर्ट है वो अलग अलग होते थे पुरुषों और स्त्रियों के लिए। तो ऐसा आसानी से हो सकता है कि मरियम को लगा होगा अपने पिता के संग है, पिता को लगा होगा मरियम के संग है। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह उस बालक उस युवक एज में यरूशलेम में रुक गए और आगे गए नहीं। शायद परिवार 8 दिन तक वहाँ पे था और ये नॉर्मल बात थी कि सारे परिवार एक साथ बड़े बड़े झुंड में वापस जाते थे, राइट। सो बहुत आसान होगा कि सब लेडीज साथ में चल रहे हैं बातें कर रहे हैं और सब आदमी साथ में चल रहे हैं बातें कर रहे हैं, इसकी वजह से हो सकता है कि उनका ध्यान यहाँ वहाँ रह गया होगा। वर्स नंबर 45, पर जब नहीं मिला तो वो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम की ओर
यरूशलेम को फिर लौट गए और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनके प्रश्न करते हुए पाया। नाउ ये इम्पोर्टेंट वर्स है यहाँ पे कि 3 दिन के बाद उसे ढूंढा गया। नाउ कहाँ बैठा था वो, किसके बीच में बैठा था, राइट मंदिर के उपदेशकों के बीच में बैठा हुआ था। नाउ ये जो उपदेशक होते थे बेसिकली आप यहूदियों में उपदेशक बन सकते हैं या डॉक्टर ऑफ द लॉ बोलते हैं उसको, नियम। जब आपने जैसे बाइबल कॉलेज सेमिनरी कर ली है, फिर यूनिवर्सिटी कर ली, उसके बाद आप उपदेशक बन सके, तो इस समय को 19 या 22 साल लग जाते थे, उसके बाद आप उपदेशक बनते थे। तो यहूदियों में उनको इतना पढ़ना लिखना पड़ता था कि 22 साल के बाद जाके उपदेशक बनते थे। उनके बीच में कौन बैठा है, यीशु मसीह, और क्या कर रहा है उनके साथ, उनकी सुनते और उस और उनसे प्रश्न करते हुए पाया गया। सो बेसिकली जैसे हम कहते हैं रैप सेशन चल रहा था, लेकिन रैप सेशन कर रहा कौन है, जिन्होंने 22 साल बाइबल पढ़ी वो नहीं, वचन खुद, बाइबल खुद, उनसे रैप सेशन चल रहा था उनका, राइट। और ये यीशु मसीह उनसे सवाल पूछ रहे हैं और वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और वो सवाल पूछ रहा है, राइट, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वो जो सवाल पूछ रहे हैं सारे रैबाई, उसका जवाब यीशु मसीह दे रहे हैं। ना मैं सोचिए कि जब जैसे दृश्य ये दिखाया जाता है कि वो बीच में सीढ़ी में बैठे हैं और उसके आसपास में सारे रैबाई बैठे हैं और माता पिता ढूंढते हुए उसको वहाँ पर आए और ये वहाँ पर बैठा हुआ और उसको देख रहे हैं और वो लोग सवाल पूछ रहे हैं और यीशु मसीह यूँ जवाब दे रहा है। फिर कहते हैं मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, और सवाल पूछे और ये 22 साल सीखने के बाद उपदेशक उनको जवाब नहीं पता और यीशु मसीह उनको जवाब दे रहा 12 साल की उम्र में। और वहाँ पे वर्ड है, देखिए, जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित रह गए थे। हम अपने हृदय को उतना नम्र हमेशा रखना चाहिए कि आज भी जब हम बाइबल के वचनों को पढ़ें तो हमें उसे चकित रहना चाहिए। बाइबल को पढ़ के हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए साधारण है तो मैंने पढ़ा हुआ है। आज भी जब मैं बाइबल पढ़ूँ तो मुझे मेरे मन में वो भाव होना चाहिए कि मैं चकित हूँ, अद्भुत वचन है ये। फैमिलियरिटी नहीं आनी चाहिए हमारे बाइबल के अंदर रीडिंग में, राइट। तभी उसे देख कर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया, देख तेरा पिता और मैं कूटते हुए तुझे ढूंढते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो, क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है, राइट, मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है। यहाँ पर मरियम जैसे यीशु को यहाँ पर शायद थोड़ा सा डांट रही है, तूने इस तरह से हमारे संग ऐसा बर्ताव क्यों किया, मैं और तेरा पिता तुझे ढूंढ रहे हैं। और यीशु मसीह उससे कह रहा, तू मुझे क्यों ढूंढ रही है, क्यों ढूंढ रही है, जानते नहीं थे कि तुम्हें मैं मेरे पिता के भवन में पाया जाऊंगा। बेसिकली उसको याद दिला रहा है जो स्वर्गदूत ने उससे कहा था। और 12 वर्ष की उम्र में वो मरियम को बता रहा है कि उसे पूरी तरह से मालूम है कि वो किस लिए इस धरती पर आया है। उस उम्र में भी यीशु मसीह को पता था कि वो यहाँ पर इस धरती पर क्यों आया है। उसके लिए कोई सरप्राइज नहीं था, उसे पता था कि वो अपने पिता के सेवा का या अपने पिता के कार्य के लिए आया है। इससे हम देखते हैं और पता चलता है कि यीशु मसीह अपने कार्य, अपने पिता, अपनी सेवकाई के बारे में हमेशा जानते थे कि वो कौन है, वो किस लिए आए हैं और उनका संबंध क्या है पिता के साथ, उनका कार्य क्या है, किस लिए वो यहाँ पर आए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसको पता नहीं था कि वो इस धरती पर क्यों आए हैं। यीशु मसीह को टोटली शुरुआत से ही पता था कि वो इस धरती पर क्यों आए हैं, उसके पिता कौन हैं और इस संसार में किसने आए हैं। मरियम को याद दिला रहे हैं कि मैं मेरे पिता के घर में हूँ, मैं मेरे पिता के घर में हूँ। यहाँ पे वर्ड जो इस्तेमाल करता है, तब उसने उसको कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो, क्या तुम नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है। ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है, अपने पिता के। क्या यूसुफ उसका पिता था, इंसानी रूप से, शारीरिक रूप से नहीं, इंसानी रूप से हाँ, संबंध के अनुसार था, लेकिन सच में उसका पिता कौन था,
पिता परमेश्वर था, तो इसलिए वहाँ पे कह रहा है मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है। वर्स नंबर 50, परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। लाइक वो उनको याद नहीं था कि किस लिए वो आया है, लेकिन उसे याद था वो किस लिए आया है। तब वे उनके साथ गया और नाजरत में आया और उनके वश में रहा। लाइक ये वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनके वश में रहा। फिलिपियंस 2:5-10 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह नम्र था, और ये उसकी नम्रता की एक पहचान थी कि उसके माता पिता जो कहते थे उससे वो करता था। लाइक नाजरत में वापस आने के बाद भी वो ये नहीं कह रहा था अपने माँ बाप से, तुमको मालूम है ना मैं कौन हूँ, मुझको ऑर्डर मत दो, मैं तुमको बताता हूँ क्या करना है। राइट, आज बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप को ऐसे बोलते हैं, बट वो यीशु मसीह नहीं है, उसके बावजूद भी बोलते हैं। और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी, ये सारी बातें उसने अपने मन में रखी, ये सारी बातें उसको याद आएंगी क्रूस के समय में, ये सारी बातें उसको याद आएंगी कि भविष्य बेसिकली स्वर्गदूत आया था उसने क्या कहा था। और यीशु मसीह बुद्धि और ढील ढोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता रहा। लेकिन हम दोनों जगह देखते हैं, मत्ती में भी हमने देखा, यहाँ पे भी देखा कि वो बढ़ता रहा। वर्ष 40 में भी हमने देखा जो बालक था बलवंत होता गया, बुद्धि होता गया, बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। वर्ष नंबर 52 में देखते हैं कि परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में वो बढ़ता रहा। राइट, सो बुद्धिमत्ता में बढ़ता रहा यानी मन से, राइट बलवंत होता गया यानी शारीरिक रूप से, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था यानी आत्मिक रूप से, और वो मनुष्य था लोगों के साथ, लोगों के सामने मनुष्य था समाज में। राइट, बुद्धिमत्ता यानी मन से मेंटली, है ना, सामर्थ्य बढ़ता गया यानी शारीरिक रूप से, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था यानी आत्मिक रूप से। हर क्षेत्र में वो बढ़ रहा था और हर क्षेत्र में वो परफेक्ट था, परिपक्व था, परफेक्ट था। ओके, नाउ कुछ क्षणों के लिए मैं आपसे बात करूंगा अभी। सो मुख्य घटना 11 हो गई, करेक्ट। इस क्लास में हमने 3 कवर किए हैं, फर्स्ट वाला कौन सा था, सेकंड नाजरत में वापस आना, और तीसरा यरूशलेम में फसा के पर्व के समय में जाना। ओके, सो नाउ दो वंशावलियां क्यों हैं यीशु मसीह के बारे में, मत्ती में और लूका में, किसी के पास जवाब है? दो वंशावलियां क्यों हैं यीशु मसीह की, कोई भी जवाब दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, राइट राइट, लेकिन मत्ती में अलग है वंशावली और लूका में अलग है वंशावली। राइट, करेक्ट करेक्ट। यस, सो याद रखना मत्ती की ऑडियंस कौन है, यहूदी। लूका की ऑडियंस कौन है, यूनानी। राइट, उनके दो क्यों, पूरी तरह से परमेश्वर पूरी तरह से मनुष्य, करेक्ट। फर्स्ट वो मसीहा भी है, लेकिन उत्पत्ति 3:15 में लिखा था स्त्री का बीज, वो बीज भी है। वादा किसको दिया गया था, आदम और हवा को। तो लूका वो वंशावली दिखाएगा और मत्ती के अंदर वो दिखाएगा कि वो अब्राहम से है यानी यहूदी है यानी मसीहा है। दोनों वंशावली को अगर आप कंपेयर करोगे तो उसमें ये भी दिखेगा कि यूसुफ और मरियम बेसिकली कहाँ से आए, तो उनकी वंशावली दिखेगी यहूदा से, दाऊद के घराने से उनका होना ज़रूरी था। अब्राहम का वंश, दाऊद का वंश, और उसके वहाँ से उनको घराने से आना बहुत ज़रूरी था। नाउ जब आप लूका के अंदर देखते हो तो उसके अंदर आप एक अलग सी चीज़ पाओगे, राइट। और वहाँ पे आप देखोगे कि जब मरियम की वंशावली दिखाई जा रही है लूका 3:23 में, तो दाऊद का जीवन है, दाऊद के दो पुत्र थे सुलेमान और नेथन। सुलेमान के द्वारा यूसुफ आया और नेथन की वंशावली से मरियम आती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप यरमया 22:30 को देखिए, जरा एक मिनट चलिए, यरमया वर्स चैप्टर 22 और वर्स 30 जल्द से पढ़ लेंगे।
इसलिए हम कहते हैं कि वर्स जो बाइबल है इतनी परफेक्ट है, इतनी प्योर है, इतनी करेक्ट है। यकोनाया सुलेमान की वंशावली से है, उस पर परमेश्वर ने श्राप दिया कि उसके द्वारा उसके वंश से कोई भी राजा नहीं निकलेगा, करेक्ट। तो लेकिन अगर मसीहा को आना है तो दाऊद के वंश से आना है उसको, लेकिन श्राप भी दिया गया है, इसलिए दाऊद का दूसरा बेटा नेथन उसकी वंशावली से मरियम आती है। और मरियम नाउ, क्या यूसुफ और मरियम में शारीरिक संबंध हुआ? नहीं। यीशु मसीह के पैदा होने के लिए यूसुफ और मरियम में कोई शारीरिक संबंध ना हुआ। तो वो जो श्राप यहाँ पे यरमाया 22 में दिया गया था यकोनाया कि वंश से कोई भी राजा नहीं निकलेगा, इसलिए परमेश्वर ने, जैसे सिंपल है, ये डेविड है, डेविड की दो पुत्र हैं, ओके, सोलोमन यहाँ पे और नेथन यहाँ पे, यकोनाया इसकी वंशावली में आता है, लेकिन उस पर श्राप दिया गया है, तो यहाँ से यूसुफ बाहर आएगा और मरियम यहाँ से आएगी और यहाँ पर से यीशु मसीह आएगा। दाऊद का घराना होगा लेकिन सुलेमान के द्वारा नहीं, क्योंकि यहाँ पे श्राप है यरमाया 22:20 में यकोनाया राजा पे। उस अध्याय को जब आप यरमाया को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों उसको श्राप दिया गया और उसको कहा गया कि तेरे वंश से कोई ना आएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन इतना अद्भुत है, इसलिए वंशावली इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वंशावली इम्पॉर्टेंट है। जब आप यहूदियों के देखोगे, यहूदियों के द्वारा देखोगे, ओके, यहूदियों के मती के अंदर देखोगे तो यहाँ से लिखा है, क्योंकि यूसुफ के बारे में है, क्या वो यहूदी था? अब्राहम के वंश से था, हाँ, लेकिन लूका में इस तरह से है। एक बात और याद रखना, जब भी यीशु मसीह मंदिर में गए या अपने बारे में कहा मैं मसीहा हूँ, क्या फरीसी लोगों ने उस पर सवाल उठाए वंशावली के बारे में? क्योंकि ये सारे रिकॉर्ड मंदिर में थे, ये सारे रिकॉर्ड मंदिर में थे, तो 100% वो वापस जाके उन्होंने सारे रिकॉर्ड खोले होंगे और देखा होगा, ये कह रहा है ये यूसुफ और मरियम का बेटा है, क्या ये यहूदी है? मती की वंशावली, क्या ये यहूदी है? क्या मरियम इस वंश से आती है? हाँ, लुका लिख रहा है उसके बारे में। दोनों जगह देखने के बाद उन्होंने यीशु मसीह की वंशावली के बारे में कभी सवाल नहीं उठाए, इसलिए यीशु मसीह उन पर नाराज हुए और कहा अंत में कि मेरे जाने के बाद कुछ ही समय में इस मंदिर का नाश होगा और कुछ ना बचेगा। तो आज यहूदियों को पता नहीं कि वो कौन से गोत्र से हैं, इस समय में वर्ष 70 AD तक उनको पता था वो कौन से गोत्र से हैं। आज किसी भी यहूदी को पता नहीं है वो कौन से गोत्र से है, जूडा से है, इफ्रेम से, क्यों? मंदिर का जब नाश हुआ 70 AD में, ईयर 70 में, तो सारी वंशावली भी तोड़ दी गई, नाश कर दी गई। और परमेश्वर का जैसे वो न्याय था, क्योंकि तुमने अपने मसीहा को इनकार किया, तुमको भी पता नहीं चलेगा तुम कहाँ से आए हो। नाउ महाकलेश के समय में उनको बताया जाएगा, लोगों को चुन लिया जाएगा और 1000 वर्ष के राज्य में उनको पता चलेगा कौन से गोत्र से वो हैं, लेकिन तब तक इनकार कर दिया गया उनको, कुछ भी नहीं है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने अपने मसीहा को इनकार कर दिया, उसको स्वीकारा नहीं। और ये सोचने की बात है, क्योंकि कोई भी फैरिसी ने ये नहीं कहा तू यहूदा से नहीं है, तू दाऊद की संतान नहीं है। याद है वो अंधे लोग भी चिल्ला रहे थे दाऊद की संतान, यानी उनको भी पता था कि ये वंश से है, इसीलिए मसीहा हो सकता है, दाऊद की संतान क्यों चिल्ला रहे थे? उनको पता था कि वो मसीहा है। और जब यूहन्ना 8 में वो कहता है, यीशु मसीह कहता है कि अब्राहम से पहले मैं हूँ, तो वो लोग नाराज हो गए क्योंकि उसने अपने आप को याहवे कहा, लेकिन उसने उनको पॉइंट करके बताया कि अब्राहम के आने से पहले परमेश्वर था और मैं था वो।
यूहन्ना बपतिस्मा जब वो समाचार देगा तो कहेगा कि तुम चुप रहोगे तो परमेश्वर इन पत्थरों से भी अब्राहम के संतानों को जिंदा कर देगा। सो वहाँ पे वंशावली के बारे में कभी किसी ने उनसे सवाल नहीं पूछे गए, कभी उनसे पूछा नहीं, क्योंकि हमेशा उनको पता था कि वो है ऑलरेडी। लुका एक्चुअली 3 में चले और ये 23-38 तक आप देख सकते हैं उस वंशावली को और उसके बारे में समझ सकते हैं, राइट। और लुका की वंशावली से आप आदम तक जाओगे कि ये यीशु मसीह ही है जो संसार का उद्धार करता है, सारे संसार को बचाने आया है। और मरियम और मत्ती की वंशावली से आप ये देख लोगे कि वो अधिकारी है, राइट, वो अधिकारी है, वो दाऊद के वंश से है। ओके, क्लियर है, एकदम एकदम क्लियर है वहाँ पर। ओके, सो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कोई सवाल है तो अभी आप पूछ सकते हो।